हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिलनेस थ्योरम। यहाँ हमें करंट फाइंड करना है थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मिलनेस थ्योरम। तो इसका हम सिंप्लीफाइड वर्जन निकालते हैं। यहाँ हम देखते हैं 50 वोल्ट के पैरेलल में 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो कि होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा हमारा 50 वोल्ट। तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरीली। हमारा नया सर्किट क्या बन जाता है जब हमने इसे रिमूव किया? तो हो गया 50 वोल्ट इन सीरीज विद 50 ओम रेजिस्टेंस। ये था ही 20 ओम्स 100 वोल्ट, और इसके अक्रॉस हमें निकालना है मिलनेस थ्योरम ए एंड बी के अक्रॉस। ये हमारा एज इट इज रहेगा 10 ohms। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 50, ये पॉजिटिव है, माइनस 100 इंटू 1 बाय 20 डिवाइडेड बाय 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 20। This is equal to minus of 57.14 volts. ये हमारा हो गया Vm। इसके बाद हमें निकालना क्या है? Zm। Zm will be equal to 1 upon 50 plus 1 upon 20, which is equal to 14.28 ohms। इसका equivalent circuit draw कर देते हैं नया। क्या आ जाएगा वो? साइन ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है वो नेगेटिव आया है, 57.14 वोल्ट, 14.28 ओम्स। ये टर्मिनल्स हमारे ए और बी थे। ए बी, इसके क्रॉस क्या कनेक्टेड है? एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। मिलनेस से हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर I विल बी इक्वल टू 57.14। I का डायरेक्शन ये नहीं होगा, I का डायरेक्शन क्या होगा? ये I विल बी इक्वल टू 57.14 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 14.28, विच विल बी इक्वल टू 2.35 एम्पियर्स। This is the final answer। हमने क्या किया? हमें redundant branch लग रही थी, इसलिए हमने इसे remove किया। जैसे ही हम इसे remove करते हैं, तो ये 50 volt और ये 50 ohms series में आ जाते हैं। तो ये Millman's circuit जो form है, उस form में हम इसे ले आते हैं network को, और इसका equivalent circuit form करते हैं, जो कि ये रहता है। Later on हम इसमें load connect कर देते हैं, और load current जो हमको बोला है I, वो find out कर लेते हैं।